हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ कि मैं अपना सिंपल मेकअप एक छोटे मोटे पार्टी के लिए कैसे करती हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपना मेकअप कैसे कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो करके साफ कर ले, जो कि मैंने अपने चेहरे को धो करके अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हूँ। अब यहीं पर मैं गुलाब जल ले करके अच्छी तरीके से टोनर के रूप में अपने चेहरे को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं कि ये गुलाब जल को मैं अपने हाथों में लेकर के अच्छी तरीके से अपने चेहरे पर मिला लूँगी और इसे थोड़ा सा मसाज करके 5 मिनट के लिए इसे सूखने दूँगी। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं इसे 5 मिनट तक एब्जॉर्ब होने दूँगी स्किन में, फिर उसके बाद मैं यहीं पर अप्लाई करूँगी। एक आपके पास अगर एलोवेरा है तो आप एलोवेरा लगा सकती हैं, और नहीं तो आप एक इस तरीके का वैसलीन ले लीजिए। वैसलीन लेकर के अपने चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए इसे। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पर एक अच्छा एकदम प्रॉपर फाइन लुक क्रिएट होता है। जो भी आप यूज़ करेंगे वो ना ही फेकी प्लपी दिखेगा, एकदम फाइन और स्मूथ दिखेगा। इसी वजह से आप वैसलीन, चाहे आपके पास जो भी कोई मॉइस्चराइज़र हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी होठों में भी यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो ये लिप्स हैं वो भी स्मूथ रहे। मेकअप करने से पहले और थोड़ा स्मूथ रहेगी। तो यहीं पर मैं इसे मिला लेती हूँ अच्छी तरीके से। हो सके तो आप अपने पास एक छोटी सी आईना रख लें, उसके मदद से भी आप अपने आप को मेकअप करें और 5-10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से आप मिला लें पूरे चेहरे पर, ताकि ये एकदम फाइन दिखे। अपने आँखों पर के जो पलके हैं इस पर भी लगा ले। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पर छोड़ दी हूँ। अब मैं यहीं पर एक बीबी फेयर लवली क्रीम यूज़ करूँगी, जिसका सेड है 01। ये बीबी है, बीबी क्रीम है, और एक मेरे पास यहाँ पर है लैक्मी का सीसी क्रीम। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अनुसार आप देख लीजिए कि आपका चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है किस रेंज में है, नॉर्मल है, हनी है या बर्गनी है। ये तीनों सेड आती है, आप अपने चेहरे को अकॉर्डिंग ये सेड चॉइस करें और उसके बाद आप यूज़ करें। तो जैसे कि मैं अपने यहाँ भी सीसी, जो लैक्मी सीसी है, मेरे चेहरे का जो सेड है वो है 01, जो कि बेगिन है। तो मैं अपने चेहरे के अनुसार मैंने ये लिया है, और ये फेयर लवली का, और एक पॉन्ड्स में भी आता है, तो मैंने पॉन्ड्स का भी लिया है। तो आप अपने चेहरे के अनुसार जो आपको सूट करे आप यूज़ करें। तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं बीबी और सीसी दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मैंने ये क्रीम अप्लाई कर ली हूँ, और इसके बाद मैं इसे अपने हाथों के थ्रू या फिर मैं अपने, मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है, इसके थ्रू मैं दोनों के हेल्प से लगाऊंगी। और ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करने से पहले आप इसे पानी में 5-10 मिनट के लिए भिगो करके छोड़ दें, और इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ करके सुखा लें, ताकि आपके चेहरे पर अच्छा एक फाइन स्मूथ ब्यूटी प्रदान करें। और अपने चेहरे पर इसे डैब 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 करके अप्लाई करना है। और अपने कान पर, गर्दन पर, नेक पर अच्छी तरीके से इसे यूज कर लें। मैं एक सिंपल सी ब्यूटी बता रही हूँ मेकअप करने के लिए, जो कि डेली वेयर में आप कर सकते हैं। हैवी मेकअप नहीं है ये सिंपल सी है। हैवी के लिए मैंने अपने तीज पर मेकअप की थी, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं अभी आपको बस सिंपल वे में बता रही हूँ, जो आप कहीं जाएँ तो छोटे मोटे पार्टी में या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट और अच्छा लुक देता है। तो यहीं पर मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर ली हूँ। अपने कान पर भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर ले, क्योंकि आपका चेहरा अलग और कान का अलग दिखने लगेगा। इसी वजह से आप अच्छी तरीके से अपने नेक पर भी अच्छे तरीके से इसे मिला लें। अब यहीं पर आप इसे थोड़ा सा सेट होने दें, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहीं पर देखिए मैंने यहाँ पर पॉन्ड्स का पाउडर लेकर के अपने मेकअप को सेट कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी ली हूँ मैं, ताकि अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से ऐसे अप्लाई कर लूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेकअप करना वीडियो है इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, यहीं पर देखिए मैंने अपने पाउडर को अच्छी तरीके से सेट कर ली हूँ। अब यहीं पर मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। यहीं पर मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ एक लैक्मी इनकॉनिक आईब्रोज़, जो कि आपको वाटर प्रूफ है। ये आपको आई लाइनर का भी हेल्प करता है, आईब्रोज़ का भी हेल्प करता है, दोनों में हेल्प करता है। मैं एक आईने की मदद से लेकर के इसे यूज़ कर रही हूँ।
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आईब्रोज। अगर आपकी आईब्रोज अच्छी तरीके से आप अपने आईब्रोज को फिल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहीं पर मैं अपने आईब्रोज को फिल करने के बाद एक छोटे से ब्रश के थ्रू इसे अच्छे से स्मज कर लूँगी। तो मैंने यहीं पर एक ब्रश की मदद से देख के मैंने अपने आईब्रोज को यहाँ पर फिल कर ली हूँ। देखिए जो कि मेरी आईब्रोज एकदम परफेक्ट अच्छी दिख रही है। अब यहीं पर मैं क्या करूँगी, आई लाइनर का यूज़ करूँ। तो मेरे पास आई लाइनर का है, डेजलर का है, जो कि मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ आई लाइनर मेरा। देखिए फ्रेंड्स मेरे दोनों आँखों में डिफरेंस, एक आँख में मैंने आई लाइनर का यूज़ कर लिया, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, हाँ आई लाइनर का यूज़ कर लिया, और दूसरे में देखिए डिफरेंस, एक आँख मेरी कितनी बड़ी दिख रही है, एक आँख सिंपल से दिख रही है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर ली हूँ। यहीं पर मैं काजल से भी अपने आँखों में लगाऊंगी। अपने काजल रह गया है, काजल को यूज़ करती हूँ। तो काजल मैंने यूज़ कर ली हूँ। अब यहीं पर मैं लेती हूँ मशखरा, जो मेरे आईलेसेस को एक अच्छा वॉल्यूम देता है, जो कि है मिस फैशन का है वॉल्यूम मशखरा, जो मेरे आईलेसेस को वॉल्यूम देगी। तो आप देखिए फ्रेंड्स मैं अपना आई मेकअप भी कर ली हूँ, थोड़ा सा फैल गया है तो मैं थोड़ी इसे ठीक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपना आई मेकअप यहाँ पर कर ली हूँ। यहीं पर मैं लिपस्टिक, पिंक कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ, जिसका जो कि है डिवाइन लिपस्टिक का है, जो 149 की है, और मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहीं पर अपना लिप भी फिलअप कर ली हूँ, जो कि मुझे ऐसा लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अब बिंदी लगा रही हूँ, छोटी सी सिंपल वाली। जब तक आप बिंदी और सिंदूर ना लगाएं तब तक आपका मेकअप अधूरा है। और यहीं पर मैं सिंदूर भी लगा लेती हूँ। तो देखिए ये रहा मेरा मेकअप, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आप मुझे बताइए मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। अगर आपका मेरा मेकअप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर आप अपना हेयर स्टाइल, अगर आप हेयर स्टाइल पर भी देखना चाहते हैं वीडियो तो वो भी मैं लाऊंगी। तो फिलहाल मैं देखिए मैं अपना हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।